साथियों जोहार, आज मैं आरक्षण के मसले पर बात करना चाहता हूँ। आरक्षण के मसले पर बात करना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज आरक्षण के मसले पर सवाल उठा रहे हैं, आरक्षण पर हमला कर रहे हैं, जिससे ऐसे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उन्हें आरक्षण से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण से इतनी नफरत क्यों है इन्हें? क्यों ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासी, दलित और ओबीसी के लोग देश के बड़े बड़े पदों पर जाएं? विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ फैसले लिए जिससे स्पष्ट हो जाता है कि देश के सवर्ण जजों को आरक्षण से बहुत ज्यादा नफरत है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का जो संवैधानिक खंडपीठ है उसने फैसला दिया यह कहते हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने इसके लिए इंदिरा साहनी केस का जो है सहारा लिया और कहा कि इंदिरा साहनी केस के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, इसके लिए मोदी सरकार ने बजबते एक कानून बनाया, तब ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच कहाँ था? जब देश में आरक्षण पहले से निर्धारित किया गया है कि इसको 50% से नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने सवर्णों को खुश करने के लिए कानून बनाकर 10% आरक्षण दिया, मतलब यह 60% तक पहुंच गया। लेकिन तब ये संवैधानिक खंडपीठ में बैठने वाले 5 सवर्ण जज कहाँ थे? इन्होंने तब सवाल क्यों नहीं उठाया कि आरक्षण जो है 50% से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? दूसरा मसला जो आया वो है 23 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी के मसले पर भी क्रीमी लेयर जो है उसका पालन किया जाना चाहिए, मतलब जिन दलित और आदिवासियों को एक बार आरक्षण मिल चुकी है उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उनको सामान्य कोटा से जाना पड़ेगा। और तीसरा मामला 10 फरवरी का है। आपको याद होगा 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का बेंच ने फैसला दिया कि आरक्षण आप मौलिक अधिकार नहीं है और आरक्षण देना या ना देना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। आप सोचिए कि संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के द्वारा आरक्षण दिया गया है और यह जो है कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकार के हिस्से में है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि आरक्षण आप मौलिक अधिकार नहीं है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को आरक्षण से कितना ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं यहां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक खंडपीठ ने आरक्षण पर सवाल उठाया, कहा कि 100% आरक्षण नहीं होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में, इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करना जरूरी है। आदिवासियों को 100% आरक्षण देने का मसला सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया? यह मसला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया कि वहां के अनुसूचित क्षेत्र में खासकर शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो 100% आदिवासियों के लिए होगा। यह फैसला इसलिए सरकार ने लिया क्योंकि दूसरे शिक्षक जो है, गैर आदिवासी शिक्षक जो है, आदिवासी भाषा नहीं जानते हैं। जब आदिवासी इलाके में शिक्षक आदिवासी भाषा नहीं जानेंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे?
यही सरकार का कहना था। और इस मसला को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था, जहां पे उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का निर्णय सही है। फिर इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और इसी मसले पर फैसला करते हुए संवैधानिक खंडपीठ ने कहा कि 100% आरक्षण देना असंवैधानिक है। अब सोचिए, ये पांचवी अनुसूची इलाका का मसला है। पांचवी अनुसूची इलाका कैसे आया संविधान में? यह मूलतः इसीलिए आया कि आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध किया, कहा कि ये इलाका जो है हमारे हैं और यहाँ किसी दूसरा का शासन हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया की व्यवस्था की गई। और उसी के बाद जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बना, तो इसको जो है कि पांचवी और छठवी अनुसूची के रूप में रखा गया। जब पांचवी अनुसूची का बात करते हैं तो यह पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है। हर एक राज्य के गवर्नर को शक्ति दी गई है कि वहां पे उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। अब सवाल उठता है, जब पांचवी अनुसूची इलाका आदिवासियों का है तो वहां पे आदिवासियों को 100% आरक्षण नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय में संविधान सभा में पांचवी अनुसूची, छठवी अनुसूची और आरक्षण की भी बात चल रही थी, तब मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा था कि छठवी और पांचवी अनुसूची अलग अलग इलाका नहीं होना चाहिए, दोनों एक इलाका होना चाहिए और उस इलाका में आदिवासियों को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब 100% आरक्षण की बातों कर रहे थे। अब जब यह आदिवासी इलाका है तब यहां देखिए, जमीन संबंधी कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, पांचवी अनुसूची को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। पांचवी अनुसूची इलाके में समता जजमेंट कहता है कि आदिवासी को छोड़कर दूसरा जो है माइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश के पांचवी अनुसूची इलाके में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आदिवासियों की जमीन गैरकानूनी तरीके से लूट रहे हैं गैर आदिवासी, वहां का प्राकृतिक संसाधन, चाहे आप जंगल की बात करें, पहाड़ों की बात करें, आप बालू की बात करें, खनिज संपदा की बात करें, सब चीज को लूट रहे हैं। और आज जो है वो नौकरी में भी वही हालत है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऐसे राज्य थे जहां 100% आरक्षण था शिक्षकों के लिए पांचवी अनुसूची इलाकों में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। पांचवी अनुसूची इलाके राज्यों में आप देख लीजिए, पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में आप देख लीजिए, सारे सरकारी नौकरियों में गैर आदिवासी आके भरे पड़े हैं। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये आरक्षण को खत्म कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने पांचवी अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है उसको लागू करने के लिए क्यों वकालत नहीं किया, क्यों संवैधानिक खंडपीठ ने इस पर ध्यान नहीं दिया? सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। अब हमें यह भी सोचना चाहिए, लोकतंत्र का जो चार प्रमुख स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, यहां कौन लोग भरे पड़े हैं? एक डेटा है जो मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं, वो बताता है कि विधायिका में 93% सवर्ण लोग भरे पड़े हैं, कार्यपालिका में 96% सवर्ण लोग भरे पड़े हैं, न्यायपालिका में 94% सवर्ण लोग भरे पड़े हैं और मीडिया में 99% सवर्ण लोग भरे पड़े हैं। तो सवाल उठता है, जब पूरा का पूरा हिस्सा स्वर्णों ने कब्जा करके रखा है तो फिर भी वो जो है क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ 6% 8% हिस्सा जो है आदिवासी, दलित और ओबीसी के पास है। देश के स्वर्ण जज, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद को देश में लागू करना चाहते हैं, इसलिए वो आदिवासी, दलित और ओबीसी को बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए देख नहीं सकते हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था क्या करता है, वर्ण व्यवस्था क्या बताता है? ये लोग वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। आप ढूंढ लीजिए कौन है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, बाकी जो है कि शूद्र कौन लोग है, दलित आदिवासी ओबीसी। चूंकि आरक्षण के बदौलत आदिवासी दलित और ओबीसी के लोग आज बड़े बड़े पदों पर हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ ये ब्राह्मणवादी मनुवादी और संघी लोग आदिवासी दलित और ओबीसी को कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे तरफ यही लोग आदिवासी दलित और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण से खोर नफरत करते हैं। क्यों ऐसा है? जब दलित आदिवासी और ओबीसी भी हिंदू है, क्योंकि आप सुनते होंगे बहुत टाइम ये कहते हैं आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, देश का सब लोग हिंदू है। तो जब दलित आदिवासी और ओबीसी हिंदू हैं, तो फिर उनसे इतना नफरत क्यों? क्यों सवर्ण लोग दलित आदिवासी और ओबीसी से नफरत करते हैं? सवर्ण लोगों ने पिछले कई वर्षों से निरंतर एक डिबेट चलाकर रखा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। जब भेदभाव, अत्याचार और शोषण वर्ण और जाति के आधार पर हो रहा है, तो फिर आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए? क्या गरीब स्वर्णों को कभी मंदिर में जाने से रोका गया? क्या गरीब स्वर्णों को कभी जो है घोड़ी में बैठने से रोका गया? क्या कभी गरीब स्वर्णों को गांव का कुआं और चपाकल से पानी लेने से रोका गया? जब सवर्ण गरीबों के साथ जाति आधारित किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ, जो भी जाति आधारित भेदभाव हुआ वो दलित आदिवासी के साथ हुआ, तो फिर आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों होना चाहिए? इसका जवाब सवर्ण देंगे। हमें यह भी समझना चाहिए कि इस देश में आरक्षण क्यों आया। आरक्षण इसीलिए आया क्योंकि देश में जो वर्ण और जाति आधारित व्यवस्था है उसमें आदिवासी दलित और ओबीसी को सवर्णों ने कभी भी स्थान नहीं दिया। खासकर दलित और आदिवासियों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया, उसमें भी सबसे ज्यादा दलितों के साथ जाति आधारित अत्याचार। आपने देखा होगा किस तरह से उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, उनको जो है सार्वजनिक कुआं और चपाकल से पानी लेने नहीं दिया जाता है। आज भी जब वो घोड़ी पर बैठ के दुल्हन लाने जाते हैं, दलित दूल्हे, तब उनको जो है कि स्वर्ण उन पर अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं, घोड़ी से खींच कर नीचे गिराते हैं। मौलिक रूप से हमें यह समझना चाहिए कि आरक्षण क्यों आया इस देश में। आरक्षण इसलिए आया क्योंकि सवर्णों ने दलित और आदिवासियों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव और अत्याचार किया, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के साथ किया। और ये जो जाति आधारित अत्याचार है, भेदभाव है, छुआछूत है, इसका मूल जड़ कहां पर है? इसका मूल जड़ जो है वो वर्ण और जाति व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग आरक्षण से घृणा करते हैं, आरक्षण से नफरत करते हैं, वो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, वो लोग क्यों वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते? वर्ण और जाति व्यवस्था खत्म हो गया तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार का मूल जड़ देश का वर्ण और जाति व्यवस्था है। इसलिए यदि आरक्षण को खत्म करना है तो देश का वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए। आज दलित आदिवासी और ओबीसी को भी समझना पड़ेगा।
आपको ब्राह्मणवादी, मनुवादी और संघी लोग एक तरफ तो गर्व से कहो हिंदू है कहते हैं, सारे लोगों को देश का 80 करोड़ हिंदू में शामिल कर देते हैं, लेकिन जैसे ही संवैधानिक अधिकार लेने की बात होती है, जैसे ही आरक्षण की बात होती है, वो तुरंत जो है दलित, आदिवासी और ओबीसी को 80 करोड़ लोगों से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और वही 15% स्वर्ण इन लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनते हैं। वो जहां जहां बैठे हैं, चाहे वो न्यायपालिका में बैठे हैं, विधायिका में बैठे हैं या कार्यपालिका में बैठे हैं, हर तरह से उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, लोकतंत्र का ये चारों स्तंभ में देश का मात्र 15% स्वर्ण, लगभग 90% जगह को कब्जा किए हुए है, और आज भी वो थोड़ा सा भी जगह आदिवासी, दलित और ओबीसी को देना नहीं चाहता है। मैं बार बार कहता हूं कि 85% आदिवासी, दलित और ओबीसी को एकजुट होना चाहिए। क्यों हमारे लिए एकजुट नहीं होते? क्योंकि उनको धर्म नामक अफीम खिला दिया गया है, उनको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। देश में जितने भी धर्म आधारित दंगे होते हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, उसमें मारने मारने पर उतारू होने वाला कौन व्यक्ति है? यही दलित, आदिवासी और ओबीसी, जिसको स्वर्ण लोग कहते हैं, गर्व से कहो हिंदू है, और इन्हीं को उतार देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए। यही 85% दलित, आदिवासी और ओबीसी मार भी खाता है, मारा भी जाता है, और 15% स्वर्ण मजा मारते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा खेल उन्होंने बना के रखा है साथियों। इसलिए हमें दिमाग खोलना चाहिए। इस देश के स्वर्ण जहां भी बैठे हैं, चाहे विधायिका में बैठे हैं, कार्यपालिका में बैठे हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं या मीडिया में बैठे हैं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और संघवाद को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। देश का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया मनुवाद, ब्राह्मणवाद और संघवाद को एक साथ सुरक्षित रखने के लिए पुरजोर ताकत लगाए हुए हैं। आज सारे जगहों को इन्होंने कब्जा कर रखा है, और हमारा दलित, आदिवासी और ओबीसी का थोड़ा बहुत भी अधिकार बचा हुआ है तो उसको एक के बाद एक ये काट रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करके, हाई कोर्ट का उपयोग करके, या सरकार का उपयोग करके, या मीडिया का उपयोग करके, चारों तरफ से हमारा अधिकार वो छीन लेना चाहते हैं। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है साथियों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।